अच्छा ये यूआरएल मैं आपको एक दफ़ा करीब से भी दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा है। अच्छा ये इसकी आपको मिल जाएगी यार, ये इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है उधर भी हो रहा है, ये आपको फ़ोटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये मिल जाएगा आपको, बेफिक्र हो जाए आप इससे। अच्छा इसमें मैं जाके ना एक नया चैट बॉट जल्दी से बनाता हूँ, क्रिएट न्यू एजेंट, और इस एजेंट का नाम रख लेता हूँ मैं कि जी GPT वर्कशॉप रख देता हूँ मैं इसका नाम। आ रहे क्यों नहीं आ रहे यार? अच्छा आपके पास ये ऑप्शन, ये जो मैंने खोला ना ये वाला, ये इतने सारे जो चैट बॉट हैं ये असल में मेरे पहले से बने हुए चैट बॉट्स आ रहे हैं, आपके पास ये नहीं आ रहे होंगे। आपके पास सिर्फ लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये आ रहा होगा आपके पास। सही है जी। अच्छा तो मैंने सिर्फ इसका नाम लिखा है, बाकी चीज़ों को मैंने डिफ़ॉल्ट पे छोड़ा है, और ये अभी वर्किंग करके कुछ कह रहा है ये। अच्छा इसमें हम जल्दी से बना लेते हैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग चैट बॉट। सही है कि जी एक शॉप होगी पिज़्ज़ा की, उसमें बंदा उससे बात करेगा आके टेक्स्ट में और पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा। अच्छा इसके लिए सबसे पहले इंटेंशन, यहाँ पे आप देखें एक बना हुआ डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट, इसमें मैं गया कि जी बात शुरू कैसे होगी, क्या बोलेगा बंदा आगे, तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना ये पहले से देखें बना के दिया हुआ कि जी हाय वगैरह बंदा बोलेगा ना तो बात शुरू होगी। अच्छा हाय वगैरह बंदे ने बोल दिया और बात शुरू हुई, तो अब मैं उससे क्या करूँगा, यहाँ पर आके ना उसको कुछ ना कुछ जवाब दूंगा मैं। अच्छा जवाब के 1, 2, 3, 4 वेरिएशन हैं, ये बदल बदल के इसमें से देगा ताकि थोड़ा ह्यूमन लाइक लगे। अच्छा स्टिल ये जो फ्रेमवर्क है इसको चैट GPT ख़त्म कर देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस पर बना रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। चैट GPT का सेटअप वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें ऐसी UI नहीं बनी हुई है ना अभी, वो पूरा काम API पे होता है, तो हमें एक फ्रंट एंड लिखना पड़ेगा, एक सर्वर बनाना पड़ेगा और फिर उसकी काम कहानी शुरू होगी। ठीक है मेरा इरादा तो हम वही करें लेकिन अभी फ़िलहाल ये कर रहे हैं। अच्छा ये सारे रिस्पॉन्स मैं क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर आके मैं एक बात लिख देता हूँ कि जी अच्छा अब क्योंकि मेरे एक हाथ में माइक है ना तो मैं टाइप नहीं कर सकता, तो मैं बोल के कहानी चलाता हूँ। हाँ अच्छा हाँ ये है ना, हाँ ये अच्छा हुआ यार, मैंने तो देखा ही नहीं स्टैंड पड़ा हुआ यहाँ। अच्छा लेकिन स्टिल मैं टाइप नहीं करूँगा। अच्छा वेलकम टू पिज़्ज़ा शॉप, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? Welcome to Pizza Shop. What would you like to order? सही है ये, मैंने इसको पकड़ के ना यहाँ पे लाके, अब पिज़्ज़ा शॉप का कोई भी नाम हो सकता है, और अच्छा मैं अब इसमें एक और लगाता हूँ कि यार इसको चेंज कर लेते हैं ना, सही है, और इसी को किसी दूसरे अंदाज में बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर टुडे? वी हैव पिज़्ज़ा एंड पास्ता। सुबह बखैर, आज आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? हमारे पास यार ये इधर क्यों गुड, अच्छा पकड़ा हुआ इधर यार, सही है, पता नहीं कोई UI में बग है, पूरा शो नहीं हो रहा था, क्लिक किया तो पूरा शो हो गया। सर अगर आफ्टरनून हो रहा हो तो? वो भी हो सकता है हैंडल, प्रोग्रामिंग के जरिए हम हैंडल कर सकते हैं, सही है, लेकिन चलो फिलहाल मैं गुड मॉर्निंग हटा देता हूँ और बोलो सेफ। अच्छा अब क्या होगा कि जब यहाँ पे आके ना मैं इसको देखें, इसमें नोट करें क्या किया है, ट्रेनिंग फ्रेजेस। अच्छा ये ट्रेनिंग फ्रेजेस, ये वो वाला ट्रेनिंग डेटा नहीं है कि 50,000 मुझे सेंटेंसेस नहीं देने पड़ेंगे इसमें, इसमें 4-5 सेंटेंस भी गुड इनफ है, बाकी ये खुद समझ लेता है क्योंकि इसके पीछे क्या लगी हुई है, वही डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है। चैट GPT जो इटसेल्फ है वो उसके पीछे भी क्या लगा हुआ है, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क है, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क मैंने ट्रेन नहीं किया है, ये गूगल वालों ने ट्रिक, क्योंकि डायलॉग फ्लो गूगल ओन करता है अभी, पहले ही किसी बच्चों ने बनाया था यूनिवर्सिटी के, फिर गूगल ने खरीद लिया था इसको, इसका उस ज़माने में नाम होता था API.AI 2016 में, तो बाद में उसको इन्होंने खरीद के इसका नाम चेंज करके कर दिया और उसको कंटिन्यूसली अब इम्प्रूव भी कर रहे हैं ये। अच्छा तो मैंने ये सेव कर दिया ना, अब मैं जाके यहाँ पे देखो साइट पे टेस्टिंग का ये बना हुआ है, यहाँ पे जाके मैं बोलूँगा हाय और एंटर करूँगा तो ये मुझे जवाब देगा, ठीक है जी, कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, वी हैव पिज़्ज़ा एंड पास्ता, ये वाली बात कर दी। अब देखो ये बातचीत शुरू हो गई है, ये पहला इंटेंशन हमने बना दिया।
अब हम बनाते हैं एक और इंटेंशन। यहाँ पे गया मैं इंटेंट पे और प्लस का बटन दबाया। अब मैं ऑर्डर पिज़्ज़ा का एक इंटेंट बनाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे ट्रेनिंग फ्रेजेस में क्या डालूँगा कि बंदा जब ऑर्डर करने लगेगा तो बंदा क्या क्या बोलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऑर्डर पिज़्ज़ा, सही है, या वो बोलेगा कि जी आई एम हंग्री। ठीक है, और गिव मी पिज़्ज़ा एंड समथिंग, तीन अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तीन मैंने इसको ट्रेनिंग फ्रेजेस दे दिए, ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको और भी दे सकता हूँ दो चार। ये वैसे रेकमेंड करते हैं कि जी पाँच हो तो बेहतर है, मिनिमम जो है ना पाँच हो, पाँच से आठ ट्रेनिंग फ्रेजेस हों, ज़्यादा भी ना हो, ये दस से ज़्यादा भी ना हो। ठीक है जी, वैसे तो कहीं सामने तो नहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने, लेकिन सब लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वही रेकमेंड करते हैं कि पाँच से लेके दस के कहीं दरमियान हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। अच्छा, और अब जब ये बोले ना ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो यहाँ से मैं इसको जवाब दूँ कि यार हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा, ये जवाब दे दूँगा। ठीक है, कि पता चल जाए कि हाँ यार बंदा क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा कि जी ऑर्डर पिज़्ज़ा, एंटर। जी क्या हुआ, तो कहाँ पे कर रहा है ट्रेनिंग है? ये जब ट्रेनिंग करता है ना गोल गोल घूम रहा होता है, जब मैं इसको सेव करता हूँ ना तो ये ट्रेनिंग करता है पहले, उसके बाद ये फिर अवेलेबल होता है टेस्टिंग पे, लेकिन ये घूम नहीं रहा, क्या चक्कर है? अच्छा, कभी अगर ये खुद से ट्रेनिंग ना करे ना तो मैं इसको अंदर जाके भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा ML सेटिंग में और यहाँ पे मैं ट्रेन का बटन दबा दूँगा, तो ये देखें ये घूमना शुरू हो गया। कभी कभी क्या होता है, ख़ुद से नहीं करता, अटक जाता है ये। अच्छा, ट्रेनिंग कम्प्लीटेड, ये नीचे लिखा हुआ गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि जी ऑर्डर पिज़्ज़ा, एंटर। इसको अभी भी समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? नहीं, वैसे तो मैंने ऑर्डर पिज़्ज़ा एग्जैक्टली लिखा हुआ है, लेकिन हाँ नहीं, ये इसमें कोई गड़बड़ हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। ये बताओ यार, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती करवा रहा है ये। अच्छा, तो या आई वुड लाइक टू हैव पिज़्ज़ा, सही। अब ये बात एग्जैक्टली लिखी भी नहीं है, लेकिन इनका क्लेम ये है कि आप जब दो तीन मुझे ट्रेनिंग फ्रेजेस दे देते हैं ना, तो उस दो तीन से बाकी बंदा क्या बोलेगा वो भी हम पता लगा लेते हैं, तो ये भी इसको समझना चाहिए असूलन। तो चलो एक और ट्राई इसको हम देते हैं। अच्छा, ये पकड़ लिया इसने, कह रहा है यार आसान क्यों दे रहे हो मुझे, कुछ मुश्किल दो काम, एटीट्यूड में चल रहा है आजकल ये। अच्छा, तो ये इसने जवाब मुझे दे दिया। अच्छा, अब पिज़्ज़ा ऑर्डर ऐसे तो नहीं होता, पिज़्ज़ा ऑर्डर में तो वो मुझसे पूछेगा भी ना कि यार कौन सा चाहिए, फ्लेवर कौन सा, साइज़ कौन सा, कितना चाहिए। तो मैं इसमें अब यहाँ पे ऐड करता हूँ आके कि जी अगर बंदा बोलेगा ना कि दो पिज़्ज़ा चाहिए, तो कैसे बोलेगा वो कि आई वॉन्ट टू पिज़्ज़ा। अच्छा, अब ये देखें, टू इसने ऑटोमेटिक समझ लिया कि ये क्या है, एक नंबर बंदा बीच में बोलेगा। अब मैंने इसको ट्रेनिंग फ्रेज में क्या बताया कि जी बंदा ये बात बोलेगा, बीच में एक नंबर भी बोलेगा। अच्छा, उस नंबर का जो नाम है ना मैंने यहाँ रखा, ओ उसका मैंने यहाँ पे नाम रखा कि QTY, सही है, कि जी क्वांटिटी बता रहा है ये असल में। और अब यहाँ पे देखेंगे इसको पता चल जाएगा कि ये कितना है। हेयर इज, योर नहीं, वो मैंने नाम उसका ये रखा है ना QTY। हाँ, अभी मैं वो और भी पूछता हूँ उससे, कितने पिज़्ज़ा चाहिए पहला तो ये सवाल है, दूसरा भाई फ्लेवर कौन सा चाहिए, तीसरा चाहिए कि साइज़ कौन सा चाहिए। एटलीस्ट ये तीन सवाल होते हैं, इससे कम में तो नहीं होता। हाँ, डील भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी हमारे पास 15 मिनट हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा अगर बंदा जो है ना, हाँ टाइम तो पूरा हो गया यार। अच्छा, अगर बंदा ये नहीं बोलता कि यार मुझे दो पिज़्ज़ा चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसको जो है ना, यार यहाँ पे एक और गड़बड़ हो रही है, बीच में एक पार्ट पूरा गायब है इस जगह पे ना, इसको यहाँ पे
यहाँ पे एक लिस्ट आनी चाहिए पैरामीटर्स की। तो वेल इसको मैं सेव करा के ज़रा पेज रिफ्रेश करता हूँ, आज कुछ गड़बड़ चल रही है इसमें, ख़ास किस्म की कोई गड़बड़ है। ये पूरा जो है सेलेक्ट किया हुआ ना, इस जगह पे एक सेक्शन आता है जहाँ पे एंटिटीज़ की लिस्ट होती है, अब ये वो आई नहीं रही इसके अंदर, रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा ये अब आ गई। हाँ अच्छा कोई मसला नहीं है, अभी तो है हमारे पास 10-15 मिनट तो ऊपर जा सकते हैं। अच्छा तो आप देखें ये लिस्ट आ गई एंटिटी की, अब इसको मैं कह दूंगा रिक्वायर्ड है, ये लाजमी पूछना है बंदे से, और मैं जाके बोलूंगा डिफाइन अ प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि यार प्लीज टेल मी हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, इसके मैं 2-3 वेरिएशंस बना सकता हूँ, ये सिर्फ मैं हाउ मैनी यहाँ लिख देता हूँ, 2-3 वेरिएशन के ज़रा अलग अलग अंदाज में पूछे, तो मैंने 2 वेरिएशन बना दिए और इसको मैंने कर दिया सेव। अब जब मैं इससे पूछूंगा, बोलूंगा ना कि गिव मी पिज़्ज़ा, तो अभी मुझसे पूछेगा कि यार कितने हैं पिज़्ज़ा भाई। अच्छा हो गया, ट्रेनिंग हो गई इसकी। अच्छा मैंने कहा इसको गिव मी पिज़्ज़ा, अरे भाई क्या हर दफ़ा मुझे अंदर जाके ट्रेन करना पड़ रहा है, आज कोई इसमें सख्त किस्म की जो है ना गड़बड़ चल रही है इस, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म असल में है तो वो ना। अच्छा ये ऑटोमेटिक डिसेबल है, ओ ये मेरे ख्याल है नए वाले एजेंट में अब इन्होंने कोई, हाँ ये हुआ है मसला, कंप्यूटर को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप जल्दी में, वरना वो स्लो हो जाता है फिर। अच्छा ऑटोमेटिक ट्रेनिंग जो है ना वो अंदर से बाय डिफ़ॉल्ट नए एजेंट में इन्होंने अब डिसेबल कर दिए। अच्छा अब इसको मैं बोलूँगा कि जी गिव पिज़्ज़ा, मे बी किसी भी अंदाज में कह सकता है ना बंदा को। अच्छा अब देखें इसने मुझे कहा कि यार प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू हैव। अच्छा अब मैं इसको लिखूँगा गिव मी 2, और इसको समझना चाहिए, ठीक है, हेयर इज़ योर 2 पिज़्ज़ा, इसको ये पता चल गया कि भाई आपने क्वांटिटी में क्या बताया है, 2 बताया है। अच्छा अभी इसको जब ये पूरी रिक्वेस्ट होगी तो ज़ाहिर है मेरी रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाएगी ना ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा जी। हाँ 3 भी लिखूँगा तो आ जाएगा, मैं इसको रीसेट करके ना दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि पीछे का भूल जाइए। इसको मैं बोलूँगा कि यार गिव मी 17 पिज़्ज़ा, तो ये पकड़ेगा नंबर कोई भी बोलूँगा ना पकड़ेगा वो, ठीक है। अब ये क्वांटिटी में इसने देखें वैल्यू में 17 पकड़ में आया इसके, और इसने जवाब में कहा कि यार हेयर इज़ योर 17 पिज़्ज़ा। अच्छा अब अगला सवाल कि जी क्या साइज़ है, तो उस साइज़ के लिए आके मुझे पहले एंटिटी यहाँ बनानी पड़ेगी, क्रिएट एंटिटी किया मैंने और मैंने कहा कि जी साइज़, और साइज़ में आके मैंने कहा कि जी स्मॉल, स्मॉल की क्या क्या वेरिएशन हो सकती है, ख़त्म कर रहे हैं आपने इसका ग्रुप की ना वो QR कोड वाला स्कैन करके ना मुझे ज़रा इधर भेज दें आप, भेज दूँ आपको, हाँ फ़ोन पे ना, नहीं फ़ोन तो बल्कि मेरा वहाँ है यार। अच्छा एक काम करते हैं ना एयरफोर्स शेयर पे रख देते हैं, हाँ एयरफोर्स शेयर पे रखते हैं, फोटो जो है ना एयरफोर्स शेयर पे रखते हैं, तो मैं इधर खोल दूँगा फिर ये स्कैन कर लेंगे। अच्छा स्मॉल को इकोनॉमी भी बोल सकता है बंदा, और क्या बोलते हैं स्मॉल के, क्या स्मॉल को, स्मॉल पिज़्ज़ा को और क्या बोल सकते हैं, लाइट या वन सिंगल सर्विंग, सिंगल सर्विंग कह दिया मैंने, चीप कह दिया मैंने। अब मीडियम पे आ जाते हैं, मीडियम को मैं कह सकता हूँ कि जी रेगुलर, ठीक है नॉर्मल, लार्ज मैंने कह दिया जी, बिग कह दिया इसको मैंने, हाँ और एक्सेल कह दिया जी मैंने, बस पार्टी कह दिया, सही है सेव। अब मुझे पता है कि जी ये बात बंदा कह सकता है, अब मैं इधर जाऊंगा इंटेंट में वापस ऑर्डर पिज़्ज़ा में जाऊंगा मैं, और मैं ये बोलूंगा कि बंदा जब साइज़ भी बताएगा साथ में तो क्या बोलेगा बंदा, कि आई वांट लार्ज पिज़्ज़ा। अच्छा और इसको ये लार्ज पिज़्ज़ा ऑटोमेटिक पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन इसने पकड़ा नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से साइज़ यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है जी। तो लार्ज को इसने ये समझ लिया कि अच्छा यार इस जगह पे ना यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, साइज़ मिलेगा,
साइज मैंने बताया कि तीन पॉसिबल साइज हैं, उसके सारे सिनोनियम भी बता दिए। अच्छा, इसके मैं मजीद ट्रेनिंग फ्रेजेस भी दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक ही ट्रेनिंग फ्रेज दे रहा हूँ। आप देखें, एक ट्रेनिंग फ्रेज में भी ना इसको समझ आ जाती है बात। यहाँ पे आके मैंने बोला कि जी अब ट्रेनिंग हो गई इसकी, गिव मी पिज़्ज़ा अगेन, ठीक है, टेल मी हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू हैव, गिव मी सिक्स मे बी। और अबे यार, इसकी ट्रेनिंग मुझे हर दफ़ा अंदर से करनी पड़ रही है जाके। खैर, कर लेते हैं हम, ये भी जोगन उठा लेते हैं। हाँ, वो रिक्वायर्ड भी मैं लगाना भूल गया हूँ, सही कहा तुमने, रिक्वायर्ड भी लगाना भूल गया। और इसका प्रॉम्प्ट भी तो डिफाइन करना है कि अगर ये साइज ना बताए बंदा तो कौन सा बोले भी, प्लीज़ टेल मी व्हाट साइज, ठीक है, व्हाट साइज। वी हैव स्मॉल। अच्छा, मैंने साथ में ये सजेस्ट भी कर दिया कि भाई तीन साइजेज हैं हमारे पास, उसको बता दिया मैंने, ताकि अगर कोई बंदा ना बार बार साइज़ कह रहा है और नहीं पकड़ पा रहा तो उसको पता चल जाए कि अच्छा तीन ही साइज़ हैं यहाँ। अच्छा, ट्रेनिंग खुद से इनिशिएट हुई नहीं हुई? ये वैसे जैसे ही सेव बटन दबाओ ना तो ये खुद से इनिशिएट हो जाती है ट्रेनिंग। आज जो है ना ये थोड़ी नहीं कर रहा, इसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली, लगा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, गिव मी पिज़्ज़ा, हाउ मैनी, मैंने कहा जी सिक्स, सिर्फ सिक्स लिखूंगा तो भी इसको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट साइज़, मैंने कहा कि अच्छा इसको कोई ऐसा साइज़ देते हैं जो लिस्ट में ना हो, मिसाल के तौर पे हेलो साइज, हेलो तो कोई साइज़ नहीं होता ना। अच्छा, वो हेलो में वो शुरू से हो गया दोबारा, क्योंकि हेलो शुरू में था ना, हाय हेलो लिखा हुआ था। अच्छा, तो दोबारा इसको करते हैं, गिव मी पिज़्ज़ा, ज़रा शुरू से सिक्स पिज़्ज़ा, और व्हाट साइज़, ए बी सी साइज़, ये तो किसी और फ्रेज में नहीं है ना। अच्छा, ये दोबारा देंगे, पूछ रहा है ये, जब तक मैं उसको बताऊँगा नहीं ये पूछता रहेगा व्हाट साइज़। मैंने कहा भाई ए बी सी साइज़, प्लीज़ टेल मी व्हाट साइज़, मैंने कहा यार ए बी सी साइज़ दे दो मुझे बस। तो अब ये मुझे ना वो वाला अल्टीमेटली वो वेरिएशन आ गया जिसमें मैंने लिखा है कि स्मॉल लार्ज एंड मीडियम है हमारे पास, तो मैंने कहा कि अच्छा जी स्मॉल, ठीक है। अबे अच्छा, हेयर इज़ योर सिक्स पिज़्ज़ा, ये पकड़ में आ गया इसको, पहली दफ़ा में नहीं आया लेकिन दूसरी दफ़ा में मैंने बोला तो स्मॉल उसको समझ आ गया। तो जी स्मॉल और साइज़ ये पकड़ में आ गया। अच्छा, जिस तरह मैंने साइज़ डिफाइन किया इसी तरह मैं फ्लेवर भी डिफाइन कर सकता हूँ, और अल्टीमेटली मेरे पास ये पिज़्ज़ा बन के आ जाएगा। ठीक है, और इसका ज़रा ये नीचे वाला रिस्पांस मैंने जो ना सिक्स के साथ जो है वो साइज़ भी लगा देते हैं। और अच्छा, अब देखें यहाँ पे माइक भी बना हुआ है, बोल के भी बात कर सकता हूँ मैं, इसकी मैं इंटीग्रेशन में जाऊँगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इन्होंने वन क्लिक इंटीग्रेशन लगाई हुई है कि जी आप ना वेब के ऊपर अगर आपने लगाना है तो ये वेब डेमो है, एक मैसेंजर की स्क्रीन है इसकी, वो आप लगा सकते हैं। अब ये भी मैंने लगा के दिखाना था लेकिन टाइम हमारे पास ज़रा ओवर हो गया है, तो मैं सबसे ज़्यादा जो इसके मज़े की चीज़ है वो है फ़ोन गेटवे। अच्छा, वन क्लिक पे जस्ट मैंने एरिया कोड बताया 415 मिसाल के तौर, 413 चलो लगा देते हैं, और मैंने किया नेक्स्ट। अब ये मुझे एक फ़ोन नंबर दे देगा, नो फोन नंबर अवेलेबल टू फुलफ़िल द रिक्वेस्ट, क्यों? सम टाइम क्या होता है उस एरिया का ना वो नहीं होता, कोड नहीं होता। हाँ, 512 करते हैं, ये पूछता है एरिया कोड बताएं, 512 नहीं है भाई, एरिया कोड पूछता है बताएं, और उस एरिया कोड का ना एक नंबर ला के दे देता है। यार ये क्या चक्कर है, इसने सोच लिया भाई आज नहीं चलना है। अच्छा चलो, वेब वाला डेमो चला के देखते हैं, वेब डेमो चला के देखते हैं। अच्छा जी, इनेबल है, व्हाट्सएप पे भी इंटीग्रेट हो जाता है, वन क्लिक वाला नहीं है व्हाट्सएप पे फिलहाल। अच्छा, ये आ गया जी, मैं स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया, बल्कि यहाँ पर ट्राई नाउ आ रहा है ना यार, चलो ट्राई नाउ दबाते हैं। ये देखो यहाँ पे उन्होंने डेमो बना के दे दिया, और ये इस तरह से किसी भी छोटी सी वेबसाइट में आप बहुत आराम से ये लगा सकते हैं, बल्कि एक छोटी सी वेबसाइट जल्दी से हम बना भी लेते हैं लगे हाथों। ये मैं
आ जाता हूँ जी डेस्कटॉप पे अपने, और एम के डी आई आर से मैंने एक फोल्डर बना लिया डेमो, और सी डी डेमो में चला गया कोड स्पेस डॉट, ठीक है, मैंने सिंपली एक फोल्डर बना के ना उसको वी एस कोड में ओपन किया, दैट्स इट, ठीक है, ये वी एस कोड में मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके मैंने बेसिक कोड लिखा, यहाँ पे एक मैंने हेडिंग लगा दी के पिज़्ज़ा शॉप, ठीक है। अब इस तरह की एक बेसिक सी वेबसाइट होगी, इस पर एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया यहाँ से ला के, ठीक है, एक पैराग्राफ भी है इसमें, एक इमेजिनरी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जो एक पिज़्ज़ा की वेबसाइट है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको अब मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे ही मैं ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। अब इस ब्राउज़र में मैंने क्या लगाना है, ये जो कोड इन्होंने दिया ना एम्बेडेड, ये कॉपी करके ना मैंने इसके बॉडी के लास्ट में लगा देना है। और जैसे ही मैं ये लगाऊंगा और आके अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूंगा मैं, तो इसमें ये लगा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं इससे बोलूंगा जी हेलो, तो इसको मुझे जवाब देना चाहिए असूलन, अब पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो गई है इसमें भी। अच्छा ये वही मसला आ रहा है, एक्सेस ओरिजिन का आ रहा है, इसको ज़रा लाइव वाले पे चला के देखते हैं, गो लाइव वाले पे। हाँ सही है, वो असल में डायरेक्ट फाइल से चल रहा था ना, इसलिए गड़बड़ कर रहा था। हाय और हाय लिख के मैंने कहा जब इसको, हाँ अब आ गया जवाब, ठीक है जी। गिव मी पिज़्ज़ा, टेल मी हाउ मेनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू हैव, गिव मी 4, व्हाट साइज, स्मॉल, ठीक है, हेयर इज़ योर 4 स्मॉल पिज़्ज़ा। ये आपका एक छोटा सा एक बेसिक हेलो वर्ल्ड, ये वो चीज़ है जो 15 मिनट में मैंने आपको सिखा दी। ये कोर्स 6 महीने का है भाई, इस कोर्स में हमने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जो जाहिर है इस छोटी सी वर्कशॉप में हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब ये वो तो हो नहीं पाया वो वाला फ़ोन वाला, वरना वो बड़े मज़े का होता है कि आप क्या करते हैं, ये नंबर आपको एक दे देता है, आप उस पर कॉल मिलाते हैं उस नंबर पर, और यही बात जो ये यहाँ पर कर रहा है ना, यही बात बोल के होती है जी। हाँ नहीं अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा ये जो बात है ना, ये 15 मिनट में जो सिखा सकता था मैं उन्होंने सिखा दिया आपको। अच्छा अब यही काम सारा ये चैट जीपीटी से होता है और इससे बहुत बेहतर अंदाज में होता है। अब अभी डायलॉग फ्लो की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इस पे हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो अभी डिस्कस करना था लेकिन अभी टाइम ख़त्म हो चुका है। फिर कौन सा ऐसा काम है जो डायलॉग फ्लो से नहीं हो सकता लेकिन वो चैट जीपीटी से हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जल्दी से ना एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, एक छोटी सी एग्जांपल जो मैं खोलूंगा जी ओपन एआई प्लेग्राउंड, ठीक है, प्लेग्राउंड में आ गया मैं, ये ओपन एआई का प्लेग्राउंड है। अब मैंने एक चैट बॉट बनाना है एफएक्यू का चैट बॉट, तो आपको अब ये तो बात अंदाज़ा हो गई है कि एक जैसे ऑर्डर पिज़्ज़ा के लिए एक पूरा इंटेंट बना है, उसमें पूरे ट्रेनिंग फ्रेजेस मुझे देने पड़े हैं, उसका मुझे जवाब बकायदा लिखना पड़ा है। तो अब इसी तरीके से अगर मुझे एक एफएक्यू चैट बॉट बनाना है, तो अब एक वेबसाइट पे जो डेटा मौजूद है, टाइमिंग है, प्लेस है, क्या ऑर्डर होता है क्या नहीं होता, वो सब उसको सबको इंटेंट मुझे बनाने पड़ेंगे ना, तो इसमें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। जो लोग यहाँ मुतवज्जे हैं उनको समझ आ रही है बात कि एफएक्यू में अगर 100 क्वेश्चन वाला मुझे चैट बॉट बनाना है तो 100 इंटेंट बनेंगे उसके लिए। अच्छा लेकिन चैट जीपीटी से ना ये काम 2-4 लाइनों में हो जाता है, कैसे होता है देखते हैं जी। अच्छा यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इनका जो मॉडल कौन सा सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये सही है 3 सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है 4 तो इसमें है नहीं। अच्छा ये मैं जुगाड़ में ना एक क्लाइंट का अकाउंट खोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वो ख़त्म हो गया है जो इसका, हाँ ये ना मुझे बता रहे हैं कि रीच योर यूजेज लिमिट, तो अच्छी बात यह है फ्रीलांसिंग करने की कि अकाउंट कहीं ना कहीं से आ जाता है। हाँ नहीं पेड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर दूंगा मैं, फ़िलहाल तो नहीं पड़ी, ठीक है। ये AI टू ट्रैवल करके एक हैं दोस्त, इनके लिए मैं एक चैट बॉट बना रहा हूँ अभी, तो उनको भी ज़रा शाउट आउट जो भी देख रहा है यहाँ पे, तो आपको अगर AI टू ट्रैवल विज़िट करें आप जाके देखें क्या होता है वहाँ पे। अच्छा तो ये मैंने ना इनका ओपन कर लिया प्रोफाइल,
जस्ट दिखाने के लिए, इतना तो कर ही सकता है यार बंदा, दो चार टोकन आपके लिए खर्च कर सकता हूँ मैं किसी बंदे के। अच्छा अब इसको मैं बोलूँगा ना तो ये, अच्छा आप नोट करें ये वो वाला इंटरफेस नहीं है जो पब्लिक यूज़ कर रही है, ये प्लेग्राउंड है, इसमें सारी फाइन ट्यूनिंग अवेलेबल है जो उसमें नहीं अवेलेबल होती। इसमें देखिए आप टेम्परेचर, मैक्सिमम लेंथ, ये स्टॉप सीक्वेंस, स्टार्ट सीक्वेंस, सही है ये सब कुछ मैं सेट कर सकता हूँ, ये उसमें नहीं होता अवेलेबल, क्योंकि ये आम बंदों के समझने की चीज़ है नहीं, उनको ये देख के कोई फ़ायदा नहीं है, ये डेवलपर्स के लिए है और इसमें इतना कंट्रोल मौजूद है आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ क्या भला, दुनिया की किसी भी वेबसाइट का नाम बताओ उसका 100 क्वेश्चन का अभी FAQ बनाते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। नहीं कोई ऐसा बताओ वो लैंडिंग पेज वाला, Amazon, Amazon का लैंडिंग पेज है, Amazon शॉप्स, Amazon.com है, Amazon.com आ गया। नहीं मगर इसमें तो वो लिखा भी नहीं है ना, इनका FAQ का डॉक्यूमेंट नहीं है इसके अंदर, FAQ का डॉक्यूमेंट का पता है किसी को लिंक? हाँ यूनिवर्सिटी का, कौन सी बताओ? अच्छा देखते हैं इनके लैंडिंग पेज पे क्या क्या डेटा है। अच्छा मगर अच्छा आ गया ना, अमेजोन पे ही करते हैं, अमेजोन का विकिपीडिया का पेज खोलते हैं, उस पर तो होगा ना सारा डिटेल कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, उन्होंने खुद नहीं बनाया लेकिन विकिपीडिया तो है। अच्छा ये अमेजोन का ना, मैंने ये सारा डेटा उठा लिया यहाँ से, कंट्रोल ए किया, कॉपी किया मैंने। अच्छा ये कंट्रोल ए शायद मैं इसमें ना कर पाऊँ क्योंकि ये 3 वाला है ना, इसमें लिमिट है 4000 कैरेक्टर की, तो वो 4000 से ज़्यादा जब जाएगा ना। अच्छा मैंने ये ट्रिपल बैकटिक स्टार्ट किया और ट्रिपल बैकटिक मैंने यहाँ पे बंद किया और पूरा पेस्ट कर दिया मैंने ये, मतलब ताकि पता चले ना इतना मैंने इसको डेटा दिया है। अब आप जो दोस्त कह रहे थे ना कि सर इंटरनेट पर तो सारा डेटा ऑलमोस्ट फेक है, अब ये देखें मैंने इसको डेटा अपना दिया है, मैं कहूँगा भाई इससे देखना है आपने, इंटरनेट से नहीं आपने जवाब लाना, इस डेटा में से देख के बताओ। और मैंने कहा कि जी अबव इज द विकिपीडिया पेज ऑफ अमेज़ॉन कंपनी प्रीटेंड यू आर, क्या कहते हैं उसको जो काउंटर पे बंदा होता है, फ्रंट डेस्क, ठीक है, अमेज़ॉन यू आर फ्रंट डेस्क गाय ऑन एट अमेज़ॉन एंड आंसर यूजर क्वेश्चन, ठीक है, इन वन लाइन या टू लाइन भी मैं कह सकता हूँ लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, यूजर क्वेश्चन, और ये मैं यूज़र क्वेश्चन ऐसे करके ना यहाँ पे मैं कोई भी बात लिखूंगा। अच्छा देखो अब ये इतना ना टेम्पलेट होगा पूरा जो मेरे पास फिक्स होगा, प्रोग्रामिंग लेवल पे मेरे पास ये फिक्स होगा, हर क्वेश्चन को मैं इसी तरह भेजूंगा ChatGPT पे। अब ये अच्छा इसको असूलन तो होना चाहिए एम्बेडेड इम्बेडिंग के जरिए, उबैद भाई यहाँ पर बैठे हैं, रात को ही मेरी इनसे बात हो रही थी, बल्कि कल परसों, तो ये होना तो चाहिए एम्बेडेड से, जो ChatGPT कह लो या उसको कंप्लीशन मॉडल का एक फीचर है, लेकिन फिलहाल अभी फॉरन करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। एम्बेडिंग से करने से ये होता है टोकन थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा मतलब पैसे बच जाते हैं उससे थोड़े से। अच्छा यहाँ पे यूज़र क्वेश्चन में मैं आके पूछता हूँ सबसे पहला सवाल इससे, जो भी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है ना उससे मुतालिक ही पूछ लेता हूँ कि भाई व्हाट इज़ द ISIN नंबर ऑफ अमेज़ॉन, क्या ख्याल है ये पूछ लिया जाए, या व्हाट इज़ द ट्रेडमार्क, या व्हाट इज़ द ट्रेड नेम, तो ये बताएगा। ये सारा डेटा यहाँ लिखा हुआ है ना ये सब उसको पता चलेगा। अच्छा मैंने ये फॉर्मेट करके नहीं दिया, आप जिन लोगों का मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उसमें तो भाई बंदा डेटा को क्लीनिंग करने में ही आधा हो जाता है, एक स्क्रैपिंग के लिए अलग बच्चा बिठाया हुआ होता है, फिर क्लीनिंग के लिए आपको कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है, वो क्लीनिंग कर करके वो आधा हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अभी, तो 6 महीने हो गए हैं अभी तक डेटा की क्लीनिंग चल रही है, किसी से कहीं से ख़रीदा है उन्होंने डेटा, अब वो ख़रीदा हुआ डेटा ऑलमोस्ट क्लीन होता है, अब उसकी क्लीनिंग हो रही है, उसको जो एक स्कीमा में ढाला जा रहा है 6 महीने हो गए हैं वही हो रहा है, डेली 8 घंटे लगाते हैं उसके ऊपर वो, अब पता नहीं ट्रेनिंग वगैरह कब शुरू होगी और क्या होगा, वो बड़ी कंपनी है बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा या मैं उससे ये पूछूं कि भाई व्हेन अमेज़ॉन वाज फाउंडेड, तो वो यहाँ से देख के बताएगा, ठीक है, हु फाउंडेड अमेज़ॉन, तो जेफ बेज़ोस ये बताएगा, आते हैं ज़रा कोई भी एक। अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए शुरू का, अगर मैं ये पकड़ दूँ ना इतनी लाइन,
जो कि 4000 कैरेक्टर की लिमिट के अंदर हो, सही है, क्योंकि वो मना कर देगा मुझे ऑब्वियसली अगर मैं उससे ज़्यादा दूंगा तो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने ना ये इतना इसको टेक्स्ट दे दिया, थोड़ा जितना वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, जो चैट जीपीटी का जो 4 है उसमें लिमिटेड 32,000 कैरेक्टर की, तो 32,000 कैरेक्टर तक उसमें हम दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो यूज़र का क्वेश्चन है ना, इसका मुझे ये जवाब देगा जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने वो तो लिखा ही नहीं सवाल, सवाल इसने खुद ही लिख दिया। अच्छा, तो मैं सवाल लिखता हूँ कि हु इज़ द फाउंडर, क्योंकि ऑटो कंप्लीट है ना, तो उसने सवाल भी खुद ही लिख दिया। अच्छा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अमेजोन, और आंसर करके मैंने ये लिखा। अब ये इसको क्या कह रहा है, वार्निंग योर टैक्स एंडेड स्प्रेड। अच्छा, ये देखो इसने जवाब दे दिया। अच्छा, बताओ कोई और क्वेश्चन जो उतने में था, व्हाट इज द ट्रेडमार्क। द ट्रेडमार्क ऑफ अमेजोन इज amazon.com/IMC। क्या उसको क्या नाम होता है जो नज़दाक जो होता है, उसको कौन सा ट्रेडमार्क बोलते हैं? ट्रेडेड एज वाला नहीं, इसका वैसे कुछ नाम होता है इस ट्रेडमार्क का। स्टॉक मार्केट में आपका ट्रेडमार्क क्या है ना? इन स्टॉक मार्केट स्टॉक नेम होता है। चलो ये पहले ये तो लगा के देखते हैं। हाँ, नज़दाक पकड़ लिया इसने, ठीक है। देखो कैसा डिटेल्ड जवाब दिया इसने ये। अच्छा, अब आप सोचें, आप इमेजिन करें, आप आ जाओ कोई और रैंडम वेबसाइट खोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हाँ सैलानी का जो है, सैलानी वेलफेयर की वेबसाइट खोलते हैं आप, ज़रा आ जाओ। अच्छा, बल्कि सैलानी का भी तो विकिपीडिया का तो पेज है ही। अच्छा, अब इसमें जितना भी डेटा मौजूद है ना, ये जो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, सबको कंट्रोल ए किया मैंने, कॉपी किया और यहाँ पे लाके ना मैंने जो अभी जहाँ पे मैंने अमेजोन का रखा था वहाँ पे मैंने ये वाला पेस्ट कर दिया सारा, ठीक है। यहाँ पे क्या फ़ोन नंबर वगैरह है नीचे, जो होगा इसमें डेटा वही जवाब देगा। हाँ, ये फ़ोन नंबर है ना। अब इससे मैं पूछता हूँ कि यार बताओ मुझे फ़ोन नंबर क्या है। अच्छा, अबव इज़ द विकिपीडिया पेज ऑफ सैलानी वेलफेयर, ठीक है। प्रिटेंड यू आर फ्रंट डेस्क एट सैलानी, हाँ, वेब पेज ऑफ सैलानी वेलफेयर। अच्छा, प्रिटेंड यू आर फ्रंट डेस्क गाय एट सैलानी, आंसर यूज़र क्वेश्चन, और यूज़र क्वेश्चन में मैं अब लिख देता हूँ कि यहाँ पे आके जी के व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। ठीक है, अब देखते हैं ये फ़ोन नंबर कौन सा लाता है, एक यूएन भी है और एक नॉर्मल वाला भी है। ये लाया है 83009 है लास्ट में, देखते हैं ज़रा कि यही है उधर या कुछ और है। हाँ, ये सही है यार, सही लाया है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एड्रेस भी इससे पूछेंगे ना तो एड्रेस भी बता देगा ये। अच्छा, टैक्स आईडी भी है यहाँ पर। अच्छा, तो अब अलगर्ज जो कुछ इस वेबसाइट पे, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, मैं तो अभी डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ ना अभी। अब देखें, मैं इससे अब मोर इंटेलिजेंटली सवाल पूछना शुरू करता हूँ। मैं कहूँगा यार हाय, और हाय से बात शुरू होती है। अब देखें ये कैसे मुझसे बात करेगा। हाय बोलते ही इसने डोनेशन की बात कर दी, बात ख़त्म, है ना। ये मतलब वेलफेयर इदारा है ना, तो सबसे पहले जो फ्रंट डेस्क पे बंदा आता है वो यही बात होती है। अच्छा, ये मैं चीज़ें सारी लिमिट कर सकता हूँ, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि जी क्या बोलें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार आपने शुरू में ना पहला जो सवाल करेगा उसमें ग्रीटिंग करनी है आपने, ठीक है। तो ग्रीट यूज़र फर्स्ट, डोंट आस्क फॉर डोनेशन अंटिल 4 कन्वर्जेशन स्टेप्स। ये मैं इसमें लगा सकता हूँ, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये पूरी एक फील्ड इमर जो कि आई है सामने अभी, और इसके कुछ एक दो कोर्सेज भी आ गए, लेकिन वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का करेंगे क्या,
कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे चैट, ये चैट बॉट जो मैं बना रहा हूँ ना इसमें इस्तेमाल हो रहा है ये वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अच्छा वैसे चैट जीपीटी को चलाने का तरीका है असल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेकिन वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के बाद क्या करेगा बंदा, इमेज जनरेशन कर रहा होगा या तो इमेज बना रहा होगा इमेजेस, या तो चैट जीपीटी से अच्छी सी ईमेल लिखवाना आ जाएगी उसको, लेकिन वो ईमेल लिखवा के ना पैसे नहीं कमा सकते आप। कोडिंग में तो हेल्प करेगा लेकिन कोडिंग फिर आपको कुछ और कुछ कर रहे होगे ना, कोई कोडिंग कर रहे होगे आप। अच्छा तो ये वाला जो यूज़ केस है ना इसका, आप देखें कितना पावरफुल है यार ये। अब ये मैं किसी बंदे को लगा के दे दूँ ना, अच्छा अगर मैं इसके चार्ज करूँ $100, तो क्या ख्याल है आपको कि सैलानी जैसा इदारा कोई $100 नहीं देगा मुझे इस चैट बॉट के? भाई $10,000 तक देगा सैलानी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सैलानी के तो खैर अकाउंट्स वगैरह नहीं है बाहर। तो अच्छा तो भाई टाइम नहीं है किसी के पास, अब काम इतना है ना मार्केट में। किसी भी, मैं न्यूयॉर्क में गूगल मैप खोलूंगा यहाँ पे अभी राइट नाउ आपके सामने, अभी टाइम नहीं है वरना ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी आपके सामने मैं खोलता न्यूयॉर्क में किसी में पिज़्ज़ा वीज़ा की शॉप को फ़ोन मारता यहाँ से, गूगल मैप पे तो नंबर लिखा होता है, उसको मैं बोलूँगा कि यार ये मैं आपको ना आपका मैंने चैटबॉट बना दिया, मैंने कहा ये लो लिंक चला के देखो इसको और अगर अच्छा लगे तो $500 और शाम तक आप आराम से जवाब दो, कोई मसला नहीं है, शाम तक ये चैटबॉट आप है फिर मैं डाउन कर दूंगा इसको, अगर आपको अच्छा लगे आपकी वेबसाइट पे लगा दूंगा $500, तो मैं देखता हूँ कैसे मना करता है वो। ये फ्रीलांसिंग वगैरह ये तो बहुत आगे की बात है, या कहीं जॉब पकड़ेंगे आप जाके, जॉब पकड़ना भी बहुत आगे की बात है, मैं देखता हूँ आपको कोई फिजिकल बंदा कैसे मना करता है अपनी दुकान के लिए। वो निगोशिएट करेगा, वो कहेगा यार भाई मैं गरीब आदमी हूँ 100 में कर देगा, ये बोलेगा गोरा भी भाई पैसे, उसके लिए भी पैसे भाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो अच्छा अब मैं दोबारा उसको बोलता हूँ कि भाई हाय अब देखें इसने कैसे, हाउ मे आई हेल्प यू। अच्छा क्वेश्चन अब मैंने मजीद लिखा, व्हाट यू डू, यही बंदे पूछते सवाल के यार आप क्या करते हैं कैसे होता है आपके यहाँ। वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू हेल्प दोज, वी प्रोवाइड रेंज, अब ये पूरी इसने बात कर दी, हेल्थ एजुकेशन वो सारे लिखा हुआ है ना वेबसाइट पे, वो वहाँ से ला के बता रहे हैं और देखें खुद से जुमले कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये वाली जो बात है ना, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये पूरी दुनिया में ना सिर्फ मुझे ही आती है, सिर्फ मुझे आती है, लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा या क्योंकि कोई इंटरनेट पे ये बात ये वाली नहीं देखेंगे आप अभी आप जाके ना घर पे जाके आप गूगल करें, आपको ये वाली बात अगर किसी ने बता दी तो फिर आप मुझसे कहिएगा, मुझे तो नहीं दिखा, अगर दिखे आपको तो मुझे बताइएगा। या तो नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है इंटरनेट पे ये वाली बात कोई भी नहीं कर रहा है कि यार जी अब आप चैट बॉट बना लें आप पूरी वेबसाइट का, अब इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे। हाँ नहीं वो जो वही है, यही तो बात है कि हो सकता है कि लोगों को पता हो मेरे अलावा भी, लेकिन वो उनके पास काम इतना है ना कि काम करने से फुर्सत नहीं है। अभी मैं मोबाइल निकालूंगा ना, मेरा मोबाइल वहाँ पर है, अभी सुबह के वक्त मैंने मोबाइल चेक नहीं किया, सुबह से उठ के मैं सीधा यहाँ आ गया हूँ, तो कोई ना कोई आई हुई होगी इन्विटेशन अपवर्क के ऊपर कि जी आज की डेट में लाजमी एक आ चुकी होगी अभी तक। तो जी सवाल ये तो प्रोडक्ट होगी ना, ये जो दोस्त बता रहे हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट इससे बनाई जा सकती है कि एक फ्रीलांसर ना जो कन्वर्जेशन कर रहा है उसमें हेल्प करे वो उसको, तो ये एक प्रोडक्ट होगा। मैंने जो एक चैटबॉट बनाया ये एक अलग प्रोडक्ट है, जो आप बता रहे हैं वो भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, और इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं जो, क्योंकि मैदान बिल्कुल खाली है। आप देखिए ना ये रियल है यार, ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये रियल है, आपके सामने मैंने चला के आपको दिखा दिया। अभी मैं जितने कन्वर्जेशन करता जाऊंगा ना यहाँ से, ये मुझे जवाब देता जाएगा, ठीक है। इससे मैं कोई उल्टी बात करूंगा ना तो वो भी ये हैंडल करेगा, मैं प्रॉम्प्ट में लिखूंगा कि भाई अगर कोई उल्टी बात करे आपने पोलाइटली उसको हैंडल करना है, वो हैंडल करेगा पोलाइटली। कोई अगर वो फंकी बात करेगा, कोई फ़नी बोलेगा, कोई बोलेगा लतीफ़ा सुनाओ, तो वो बोलेगा कि सर यहाँ पे लोग मर रहे हैं आपको लतीफ़े की पड़ी है, ये बोलेगा वो। मैं उसमें सेट कर दूंगा, प्रॉम्प्ट बनाऊंगा। अच्छा प्रॉम्प्ट अभी तो मैंने 2 लाइन का लिखा है ना, ये प्रॉम्प्ट अल्टीमेटली 2-3 हज़ार कैरेक्टर्स का होता है, यानी तकरीबन एक पूरा पेज हम लिखते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है। अच्छा एक और भी बात है जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, बल्कि शायद सिर्फ एक बंदे को मैंने ये बात करते हुए सुना है, ये जो है ना
ये ना सिर्फ एक चैट बॉट बनाने का पूरा फ्रेमवर्क है, ना सिर्फ एआई का पूरा फ्रेमवर्क है, ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है। आप क्लासिफिकेशन वगैरह ये सारी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, लेकिन अभी टाइम नहीं है उसका, अभी हम इंशाल्लाह क्लास में वो डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम बचपन से ये, जब बचपन का मतलब है जब कंप्यूटर साइंस में कदम रखा पहला, तो कॉलेज में हम कहते थे यार थर्ड जनरेशन ये है, जावास्क्रिप्ट वगैरह ये थर्ड जनरेशन है, एक फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाली है। कुछ लोग मैटलैब को फोर्थ जनरेशन कहते थे। तो फोर्थ जनरेशन में ना बिल्कुल ह्यूमन लाइव होगा, कि जैसे ह्यूमन से आप बात करते हैं वैसे आप कोड लिखेंगे। आप सब लोग गूगल कीजिएगा जाके। तो अब इस पर एक डिबेट भी है कि जी नहीं, ये फोर्थ जनरेशन में तो लाइब्रेरीज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो नहीं है, तो नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, इसकी लाइब्रेरीज कैसी होंगी? जाहिर है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन है, तो लाइब्रेरी थर्ड जनरेशन जैसी नहीं होगी कि जी उसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं बुला, वो इसी तरह से ही होगी लाइब्रेरी, वो भी कन्वर्जेशन में होगी। तो इसकी लाइब्रेरी अभी लोगों को पता नहीं है कि कैसी होगी, अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा जब लोग एक्सटेंशंस बना बना के इसकी इसी में लगाएंगे ना, कि जी अच्छा ये प्रॉम्प्ट पहले से बना हुआ ये आप ले लें। तो इसकी जो लाइब्रेरी होगी वो क्या होगा? पहले से लिखा हुआ प्रॉम्प्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी क्या होती है? कि पहले से लिखे हुए फंक्शन आप पढ़े होते हैं, आप उसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? पहले से लिखे हुए प्रॉम्प्ट आप उसको यूज़ करेंगे, हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। और ये मैं आपको क्या, ये एयर फोर्स शेयर है ना, एयर फोर्स शेयर पे ना, अच्छा नहीं, लिंक तो देख के लिख नहीं सकते ना। अच्छा, जरा ये लाइव सेशन एंड कर दें, फिर मैं ये दिखाता हूँ आपको। अच्छा भाई, लाइव वालों के लिए थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपने ये एंजॉय किया होगा हमारा सेशन। मजीद इसी तरह के सेशंस के लिए हमारे पेज पर अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं अभी उसको रहने दो, वो तो चलेगा अभी। सर इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे? ये तो एपीआई से होगा इंटीग्रेट। ये देखो प्लेग्राउंड में ना, यहाँ पे व्यू कोड, अब इसी चीज़ को एपीआई से कैसे करेंगे वो देखो, इन्होंने ये कोड बना के दे दिया। अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है, आपकी नॉलेज है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कोड क्या है। इसमें जावास्क्रिप्ट का निकाल लेते हैं ना, नॉट जेएस। ये होगा कोड इसका, ऐसे करके मैं भेजूंगा इसमें। ये देख रहे हो प्रॉम्प्ट, मैं पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ऐसे। अब ये एपीआई कॉल है, ये इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे।